महाराष्ट्र और उड़ीसा सब जूनियर खो खो नेशनल के फाइनल में मेजबान झारखंड बाहर। रांची 5 अक्टूबर मौजूदा चैंपियन महाराष्ट्र और उड़ीसा के लड़कों और लड़कियों की टीमें होटवार के अल्बर्ट इक्का खो खो स्टेडियम में जारी 30वीं खो खो सब जूनियर नेशनल के फाइनल में एक दूसरे से भिड़ेंगी। फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। महाराष्ट्र ने अपना वर्चस्व जारी रखते हुए लड़कों के वर्ग में कोल्हापुर को क्वार्टर फाइनल में 4 अंक और 1 पारी से हराया। कोल्हापुर की टीम ने अब तक टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन वह महाराष्ट्र के दमखम के आगे नहीं टिक सकी। सेमीफाइनल में महाराष्ट्र का सामना उत्तर प्रदेश से हुआ। लड़कों के इस वर्ग में दोनों टीमों के बीच जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें महाराष्ट्र ने 3 अंक से जीत हासिल की। इससे पहले महाराष्ट्र ने प्री क्वार्टर फाइनल में तमिलनाडु को हराया था। महाराष्ट्र की टीम एक तरफ जहां शानदार खेल रही थी, वहीं उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लड़कों के वर्ग में गुजरात की चुनौती को 2 अंक के साथ खत्म किया। सेमीफाइनल में उड़ीसा का सामना आंध्र प्रदेश से हुआ, जिसमें उड़ीसा ने 3 अंकों से जीत हासिल की। महाराष्ट्र की लड़कियों ने भी अपनी चमक दिखाते हुए फाइनल में स्थान पक्का किया। महाराष्ट्र की टीम ने हरियाणा और कर्नाटक को क्रमशः क्वार्टर और सेमीफाइनल में हराया। अब उनका सामना उड़ीसा से होगा, जिसे गुजरात को क्वार्टर फाइनल में और झारखंड को सेमीफाइनल में हराया। झारखंड के लड़कों की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में गुजरात के हाथों 4 अंक से हार गई। बहुत सक्सेस हुआ और ये झारखंड की बहुत बड़ी उपलब्धि है, झारखंड स्टेट खो खो एसोसिएशन की और जो गठित आयोजन समिति की। प्रिंस जी हैं, सारे लोग हैं, हमारे दिल्ली से आए हुए हैं सारे लोग हैं। खो खो के बारे में कुछ बातें हो रही थी। खो खो इंडिया का एक खेल है, इसे मानिए ये धरती का खेल है। इसमें ज़्यादा खिलाड़ियों को आना चाहिए। गांव से जैसे आप बोल रहे हैं, बहुत कम इसमें पैसे, ये कोई कॉस्टली गेम नहीं है। ये आप देख रहे हैं तो ताम झाम की नहीं है, ये क्रिकेट नहीं है, ये और गेम्स नहीं है जिसके लिए इक्विपमेंट्स की या ज़्यादा उनको पैसे घर के बच्चे को लगते हों कि ये सामान खरीदना है, ये बनाना है। निश्चित रूप से खो खो हर घर में खेला जा सकता है। पानी जी है जिन्होंने आयोजन में बहुत बड़ा सहयोग किया है और बहुत आरती कुजूर जी हैं, जितने लोग हैं यहाँ पर, मैं सबको कहूँगा कि अब हम लोग खो खो संघ के पदाधिकारी जितने हैं कि एक हम लोग कार्यक्रम बनाए कि गाँव की ओर चलो और गाँव में कुछ छोटे मोटे खो खो का ग्राउंड बना के गाँव के लोगों को जागरूक करें, गाँव के लोगों को आगे बढ़ावें, यही हम लोग का प्रयास होगा। आज इस सब जूनियर 38th नेशनल खो खो 2019 का सेकेंड लास्ट डे था, यू कहें तो लास्ट इवनिंग थी हमारे बच्चे खिलाड़ियों के साथ। आज का दिन कुछ स्पेशल करना था तो हमने वंदे मातरम के ट्यून पे बच्चों को बलून के द्वारा तिरंगा बनाने को कहा और उन्हें बखूबी इस चीज़ पर अमल किया और इस शाम को रंगीन समा में तब्दील करने के लिए मैं आए हुए पूरे देश से खो खो टीम, उनके कोचेज़ और उनके बच्चों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग आए और इस नेशनल गेम्स को आपने एक 100% सक्सेस का रूप देने की जो कोशिश की है उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो आप देख रहे हैं लगभग लगभग बहुत ही अच्छा हुआ और अब समापन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और अब फाइनली खेला जा सकता है। राज्यों से आए हुए टीम प्रबंधन ध्यान देंगे, अभी आप लोग को मंच पर सम्मानित करने के लिए हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। इससे पूर्व जिन टीमों को अभी जाना है उसमें सर्वप्रथम असम की टीम है, उनका ट्रेन 9 बजे है। वह अपनी
कैमरे की वजह से देखा होगा, अच्छा ही आज हमारा सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल आप देख रहे हैं कि अभी चल ही रहा है हमारी टीम, हमारी स्टेट की टीम। लास्ट और थर्ड आउट की दुआ की मुझे प्लीज रिपोर्ट को राउंड 2-3 हुई है, इसका हौसला अफजाई करने के लिए हम सभी यहाँ प्रोत्साहित कर रहे हैं उसे। हमारे सीनियर टीम मेंबर भी हमारे साथ हैं, हमारे अध्यक्ष, हमारे सचिव, हमारे कोच, हमारे झारखंड के सारे लोग, हमारे बच्चे जो पीछे से काफी उत्साहित दिख रहे हैं, वो भी बलून क्या था वो पूरा का पूरा पृथ्वी फोड़ रहे थे कह सकते हैं। काफी अच्छा लग रहा है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना, एक ऐसी टीम के साथ काम करना मेरे लिए तो बिल्कुल एक ड्रीम की तरह है। जो आज लग रहा है कि मैं यहाँ थी आज यहाँ हूँ, एक गर्व महसूस हो रहा है कि नेशनल गेम, नेशनल एथलेटिक्स, नेशनल रिप्रेजेंटेटर के तौर पर मैं शुरू कर रही हूँ। अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है।